स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अधिकारियों की असमंजस के कारण अटक कर रह गई एक बहुत ही बहुचर्चित जो है भर्ती। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के बेसिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में बीएड टीईटी को मान्य किया है सुप्रीम कोर्ट के। 11 अगस्त का फैसला राजस्थान की भर्ती के संबंध में था है और उत्तराखंड सरकार को जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए, ये कहना है बीएड टीईटी जो प्रेसिडेंट महासंघ है उसके प्रवक्ता। जबकि रामकृष्ण उनियाल जो कि बेसिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन ने जो गाइडलाइन दिए हैं उसके अनुसार जैसे ही अगले आदेश आएगा उसके बाद सारा निर्णय लिया जाएगा। तो मामला जैसे कि आपको बताया बहुत ही पेचीदा है। 2020 की जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की भर्ती थी करीब 2500 से ऊपर पदों के लेकर एनटीटी तमाम जो है बीएड से लेकर और डायट तमाम तरह के जो है अध्यादेश में आए। उसके बाद तमाम सेवा नियमावली की खिचड़ी पकी। जो एनडीटी से रूल आया कि भाई आपको जो है ओपन से उनको भी देना है जिन्होंने डिस्टेंस से करके रखा है उनको भी देना है, डीएलएड वालों को ज्वाइनिंग, तो तमाम चीज़ें उसको लेकर ये बात रही। अब फिलहाल जो मामला अटका हुआ है वो यहाँ पर मामला है कि भर्ती की जो फाइल 1.5 महीने से निदेशालय सचिवालय और न्याय विभाग के बीच ही घूम रही है, लेकिन अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग असमंजस में अभी पड़ा हुआ है बीएड को लेकर। ठीक है, जैसी कोई अपडेट आएगी हम आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अगली बड़ी खबर है साल के अंदर 11,000 पदों पर होगी भर्ती, ये कहना है स्वास्थ्य मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत का। तो यहाँ पर धन सिंह रावत ने करीब नर्सिंग अधिकारियों के 192 जो अधिकारी थे उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। उसी संबंध में इन्होंने कहा कि 11,000, जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग में 11,000 भर्ती आएंगी। ये आपके तमाम अलग अलग हो सकते हैं, इसमें जो है डॉक्टर भी हो सकते हैं, वार्ड बॉय भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, तमाम अलग अलग पदों पर कुल मिलाकर 11,000 के आसपास जो है यहाँ पर भर्ती आएगी। अब ये देखना है कि कब तक ये भर्ती आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर ऐसा होता है कि भर्तियां जो है कागजों पर ही आती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीएलएड को लेकर। तो कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान की ओर से यहाँ पर प्रतीक्षा सूची यहाँ पर जारी की है डीएलएड के लिए, जो कि 2021-22 में जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उनकी जो जो है वेटिंग लिस्ट है उसकी जो काउंसलिंग 16 जनवरी 2024 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक होगी। तो जिन अभ्यर्थियों की नाम अभी है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप sert.uk.gov.in या bubsc.uk.gov या फिर स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जो है अपना नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग अधिकारियों के यहाँ पर चेहरे खिले हुए नज़र आए। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने लगभग आप देख सकते 12 साल बाद ये भर्ती हुई है, लगभग 192 अधिकारियों को यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो ये रही आज की बड़ी खबरें, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।